फ्रेंड्स, तो लिए हैं बेसन। तो बेसन में डालेंगे जीरा मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के क्या करेंगे, इनको हम घोल बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इनको मिक्स करेंगे। एक बारी पानी नहीं डाल सकते हैं हम, ताकि हमारा गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको हम घोल बनाए हैं। देखिए इस तरह से आपको घोल बना लेना है। घोल को ज़्यादा पतला भी नहीं रहने दीजिए, ना ज़्यादा गढ़ा रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ हम ले लिए हैं मिक्सर जार, इसमें मसाला पीस लेंगे ग्रेवी के लिए। तो देखिए यहाँ लहसुन अदरक लाल मिर्च जीरा मिर्च के पाउडर डाले हैं, हल्दी पाउडर डालेंगे, इसको हम पीस लेंगे। यहाँ गैस पर कढ़ाई गर्म कर लिए हैं, ऑयल डाल के इसमें हम बेसन जो घोल बनाए थे इनको हम छनौटा से बूंदिया जैसे झाड़ लेंगे मोची कढ़ी के लिए। तो देखिए इस तरह से हम मोची कढ़ी के लिए हम झाड़ेंगे। आप मीडियम ही आँच पर रहने दीजिए इनको, ज़्यादा हाई फ्लेम आँच नहीं करिए। इनको धीरे धीरे पकाइए, जब छानते हैं छान रहे हैं उस समय थोड़ा हाई फ्लेम आँच कीजिए, बाद में आप मीडियम कर दीजिए इनको पकाने के लिए। देखिए हमारा कलर चेंज हो गया था, इनको निकाल लिए। फिर दूसरे राउंड में भी इसी तरह से हम बूंदिया को झारेंगे छनौटा से। देखिए इस तरह से गिराते रहेंगे, हल्का हल्का कढ़ाई पर हम ठोक रहे हैं, ज़्यादा नहीं ठोक रहे हैं, हल्का ठोक रहे हैं, ताकि ऊपर से हमारा बूंदिया बेसन में से गिरे। इनको भी उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हम पका लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम पका लेंगे इनको भी, हम दूसरे थाली में पका कर निकाल लेंगे। देखिए कितना इनका भी कलर चेंज हो गया है, लाल होने तक हम पकाएंगे, इनको भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। तो हमारा बूंदिया बनके तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ हम ग्रेवी के लिए घोल बनाए हैं, जो मसाला पीसे थे हम मिक्सर में, वो मसाला हम इसी ग्रेवी में मिलाएंगे। तो यहाँ हम बैठा दिए हैं कढ़ाई, कढ़ाई में हम डाल दिए हैं तेल, तेल में डालेंगे हम जीरा, चटपटा डाल देंगे फोरन लगाने के लिए। इनको हम कुछ देर तक पका लेंगे, फोरन को लाल होने तक भून लेंगे। देखिए हमारा फोरन पक के तैयार हो गया है। अब इनको हम जो घोल बनाए थे कटोरी में बेसन का, तो इनको हम डाल देंगे। घोल को आप पतला ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको इनको पकाना है। 10 से 15 मिनट तक इनको हम पकाएंगे तो हमारा घोल गढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम घोल को पतला ही डालेंगे। दोगुना तिगुना पानी उसमें डाल दीजिए या स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इनको 10 से 15 मिनट तक आप घोल को पकाइए, क्योंकि बेसन है, इनको अच्छी तरह से पकना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम घोल को पका रहे हैं फ्रेंड्स। तब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा घोल बन के तैयार हो गया है? अगर घोल पक जाएगा तो आपको उसमें से थोड़ा सा फुहेरा जैसा आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो हम देखिए हमारा घोल बन के कितना पक गया है, उसमें हम दही डालेंगे, खट्टा वाला दही डालेंगे हम, क्योंकि बेसन का कोई भी रेसिपी बनाइए तो थोड़ा दही डालिए उसमें। मोची कढ़ी में तो दही बहुत ज़रूरी रहता है, अच्छा लगता है। तो हमारा दही भी पक गया है, देखिए हम उसमें अब बूंदिया डाल देंगे। बूंदिया को डालकर आपको पकाना नहीं है, बस बूंदिया डाल के आपको मिक्स करके आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि उसको ज़्यादा पका दीजिएगा तो फिर आपको अच्छा नहीं होगा मोरी कढ़ी, इसलिए बूंदिया को डाल के आप बंद कर दीजिए। तो इसलिए देखिए हम बंद कर दिए, हमारा बन के तैयार हो गया है। तो मेरा रेसिपी आप लोगों का कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।